भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माई मुझे एक मुट्ठी अन्न दान दे दो। शिव शिव बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की कमी है जो तुम भीख मांग रहे हो? माई कमी की बात नहीं, पर मैंने भिक्षा मांगकर साधु संतों को खिलाने का व्रत ले लिया है। उस व्रत को पूर्ण करना है माई। नरसी बेटा, मैं अछूत जाति की औरत और तुम नागर जाति के ब्राह्मण और ऊपर से बंसीधर के भाई, तुम्हें भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। शोभा तो तुम्हारी बढ़ेगी माई जब एक याचक को एक मुट्ठी अन्न दान करोगी। अन्न दान से कोई बड़ा दान नहीं होता माई, कोई बड़ा दान नहीं होता। बेटा, तुम्हें भिक्षा देते हुए मेरा अंतर्मन कांप रहा है। डर रही हूँ कहीं वंशीधर बुरा न मान जाए और मेरा अपमान न कर दे। माई दान देने वाला तो बड़ा ही निडर होता है। दान देकर वो अपना परलोक बनाता है, डरना तो सबसे बड़ी कायरता है माई। धन्य है बेटा, मैं अभी भिक्षा लेता हूँ। बेटा, तूने मुझ जैसी कुलहीन औरत के हाथों से भिक्षा लेके मेरी सात पीढ़ियों को तार दिया बेटा। राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। क्यों गीता, समय कुसमय किसी के घर आना चाहिए? आज क्या प्रयोजन है तुम्हारा आने का? आपसे नहीं, दूरी गौरी से प्रयोजन है। वो विश्राम कर रही है। दादी माँ, हमारा फिर जाने वाले भी आपको खटकने लगे हैं। जब वो हमसे मिलना चाहती थी तो क्यों बहाना बनाकर उसको रोक दिया? इसलिए रोका क्योंकि इसके आने से घर में कलह शुरू हो जाती है। किंतु तुम तो विश्राम कर रही थी। मैं अभी तुम्हें सोता देखकर बाहर आई हूँ। मैं सोऊं या जागूं, पर मेरे शुभ चिंतकों को आप कदापि नहीं रोकेंगी, समझी आप? बोलो गीता काकी, क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। क्या बताऊं गौरी, तुम्हें सबके सामने बताना पड़ेगा। वो नरसिंह। क्यों गीता, रुक क्यों गई? साफ साफ बोल। तुम्हारा नरसिंह अछूतों के यहाँ भीख मांग रहा था। जीवा पर लगाम दो गीता, और भगवान के प्रकोप से डरो। अगर उसने भिक्षा मांगी भी है तो साधु संतों को खिलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए नहीं। हाँ दादी माँ, आप सच कह रही हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि कोई भी साधु संत हमारे घर से भूखा न जाने पाए। मैं तो अपने गहने तक इन्हें देने के लिए तैयार थी, पर इन्होंने कहा कि हम भीख मांगकर ही साधु सेवा करेंगे, सो कर रहे हैं। बताओ, वनवासी ने वन का बंटवारा कर लिया और वन के राजा को खबर ही नहीं पड़ी। तो तुम्हें क्यों खबर करे? जब तुम्हारे द्वार पर साधु संत आते हैं तो उनके साथ तुम नरसिंह का भी अपमान करती हो। वो भिक्षा मांगकर अपना परमार्थ सिद्ध कर रहा है, तो इसमें क्या बुरा कर रहा है? आने दो उनको, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गीता काकी, तुम्हारी उपस्थिति हमारे घर में कलह का संकेत दे रही है, क्या बात है? हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। क्या खास सच कह रहा है? आपकी भी मिली भगत है। मेरी मिली भगत है? नरसिंह खुलेआम तुम्हारी प्रतिष्ठा नीलाम कर रहा है। प्रतिष्ठा नीलाम कर रहा है, और नहीं तो क्या? वो देखिए, हरिजन बस्ती से भीख मांग के ला रहा है। ये तुम्हारी प्रतिष्ठा की नीलामी नहीं है तो और क्या है? नरसी मेरे भाई, ये सब क्या है? बड़े भैया, घर का अन्न साधुओं को खिलाने या उन्हें देने से भाभी माँ को बहुत बुरा लगता था, तो मैं भिक्षा मांगकर साधुओं की सेवा करना चाहता था। मेरे
नरसी, मेरे भाई, मैंने तुझे छोटा भाई नहीं अपना बेटा माना था। बेटा मानकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज तो बहुत दूर चला गया, मैं वहीं रह गया जहां था। भैया आप मत रो, आपकी दशा मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे लिए सारी दुनिया एक समान है, सारी दुनिया में केवल केवल महाप्रभु की लीला व्याप्त है। सुख दुख, जाति पाति, मान सम्मान, यह सब उसका निराला खेल है। जब इस निराले खेल से उपविराम पाएंगे तो आपके सोचने और देखने में बदलाव आ जाएगा। माँ, दादा क्यों रो रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है बेटा, खुशी के आंसू है। आगे जब दुख के आंसू गिरेंगे ना, तब पता चलेगा। हे भोले शंकर, तेरे इस संसार से अब मेरा मन उब चुका है, अब मैं तेरे परम धाम आना चाहती हूँ। प्रभु, मुझे तुम्हारे बुलावे की प्रतीक्षा है। प्रभु, तेरे बुलावे की प्रतीक्षा है मुझे। दादी माँ, आपकी आंचल की छाव में ही तो मेरा ये घर संसार है। आप तो मेरी शक्ति है, आप तो कदम कदम पे हम सबका साथ देती हैं, हमें सहारा देती हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगी तो हमारी इस बगिया का क्या होगा दादी माँ, ये तो उजड़ जाएगी। चुप चुप बोलो, तेरी ये बगिया कभी नहीं उजड़ेगी, कभी नहीं। ही सहारा है, इस परिवार को अब तू ही संभालने वाला है। हे भोले शंकर, अब तू ही संभालेगा। आपको प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रसन्नता से झूलने लगता है। बच्ची, तेरी कर्तव्य निष्ठा पर मुझे गर्व है बेटा। मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि तेरे जैसा सपूत मिलना बड़ा दुर्लभ है। बस बस दादी माँ, अधिक बड़ाई ना करो, अन्यथा मेरा मन अहंकार से भर जाएगा। क्या कह दादी? प्रणाम दादी माँ। सदा सुखी रहो। प्रणाम भैया। प्रणाम। नरसी, ये पोटली बांध कर कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दादी माँ, बड़े भैया से आज्ञा लेनी है। आज्ञा? कैसी? भैया, आज गिरनार के तलहटी में यात्रियों का रास है, वहाँ भजन कीर्तन के लिए जाना है, इसीलिए मैं तैयार होकर निकला हूँ। जा नरसी जा, अपनी ईश्वरी विद्या से लोगों को मंत्र मुक्त कर दे, मेरा आशीष है तुझे बेटा। प्रणाम दादी माँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अपना ध्यान रखना। शिव तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे।
निश्चित रूप से नरसी पूर्व जन्म का कोई बड़ा योगी है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मानव दुख और सुख में सम है वही स्थित प्रज्ञ है। संसार का उसे कोई ज्ञान नहीं। बच्ची, आज तक तुम अपने हर कर्तव्य में पूरे उतरे हो, किंतु आज तुम्हारे सामने एक कर्तव्य मोबाइल खड़ा है। कैसा कर्तव्य दादी माँ? बेटा, कुंवर बाई का कन्यादान तुम अपने हाथों से करके अपने परमार्थ को सिद्ध कर लो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है तुम्हारा। दादी माँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। धन्य है बंशी, तू धन्य है। तेरी अमर गाथा इस धरती पर अमर बेल की तरह फैले। दादी माँ, देखना थोड़े दिनों में मैं कुंवर बाई के लिए अच्छा घर और वर की तलाश कर लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जीवन पर्यंत स्वस्थ बाबा जी। प्रणाम। आयुष्मान विराजू बेटा, कहाँ से आगमन हुआ है बच्चा? मैं जूनागढ़ से आ रहा हूँ। आपकी सेवा करने की भावना से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम नरसिंह मेहता है। अरे दादी माँ, आपकी मनोरथ पूर्ण हो गई। कैसा मनोरथ बेटा? कुंवर बाई के लिए वर देख के आया हूँ। वर